अब एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। पहले चूज न्यू स्प्राइट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें। अब एनिमल फोल्डर पर डबल क्लिक करें। अब बटरफ्लाई 1A स्प्राइट पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक करें। कॉस्ट्यूम्स टैब पर जाएं और इंपोर्ट कमांड पर क्लिक करें। अब बटरफ्लाई 1B स्प्राइट पर क्लिक करें। कंट्रोल ब्लॉक में व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड का चुनाव करें। लुक्स ब्लॉक में स्विच टू कॉस्ट्यूम ब्लॉक को चुनें। इस एरो पर क्लिक करें और बटरफ्लाई 1A कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करें। अब मोशन ब्लॉक पर जाएं और इसे गति देने के लिए मूव स्टेप्स ब्लॉक को सिलेक्ट करें। यहाँ 5 स्टेप्स टाइप करें। पहला कॉस्ट्यूम गति के दौरान बदलना चाहिए। इसके लिए कंट्रोल ब्लॉक में से वेट ब्लॉक चुनें। अब टाइम सेट करें 0.2 सेकंड्स का। स्विच टू कॉस्ट्यूम ब्लॉक पर वापस जाएं। इस एरो पर क्लिक करें और बटरफ्लाई 1B कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करें। अब मोशन ब्लॉक पर जाएं और इसे गति देने के लिए मूव स्टेप्स ब्लॉक को सिलेक्ट करें। यहाँ 5 स्टेप्स टाइप करें। दूसरा कॉस्ट्यूम गति के दौरान बदलना चाहिए। इसके लिए कंट्रोल ब्लॉक में से वेट ब्लॉक चुनें। अब टाइम सेट करें 0.2 सेकंड्स का। अब इफ ऑन एज बाउंस नाम का ब्लॉक इसमें शामिल करें, ताकि जब भी स्प्राइट स्टेज के कोने तक पहुंचे तब ये वापस मुड़ जाए। ये सारी स्क्रिप्टिंग फॉरएवर ब्लॉक में शामिल करें, क्योंकि स्क्रिप्ट चलती रहनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग को देखने के लिए ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें।